इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस जो चैप्टर हमने पढ़ा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूं कह सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी कंप्लीट किया है, अब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था, चार्ज हमेशा स्टेशनरी रहता था और बाई चांस अगर कभी मूव भी कराते थे तो स्लोली मूव कराते थे। यहां पर क्या है कि चार्ज मूव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि किसी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज जो है वो मोशन में होता है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि जब भी किसी चार्ज को, मान लेते हैं चार इलेक्ट्रॉन हमने कंडक्टर के अंदर छोड़ दिया है ना, तो क्या होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं और ये बाउंड्री की तरफ, सरफेस की तरफ मूव करते हैं। जब तक ये सरफेस पर पहुंच नहीं जाते हैं तब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं, है ना। लेकिन जब ये बाउंड्री पर पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर के ये स्टेशनरी हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और जब ये स्टेशनरी हो जाते हैं तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। ध्यान रहे कि जब ये चार्जेज सेंटर से या बीच का कोई पोर्शन है वहां से सरफेस की तरफ मूव कर रहे होते हैं तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जब सरफेस पर पहुंच जाते हैं, वो जाकर के रुक जाते हैं, तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही यहां भी कर सकते हैं। यहां पर चूंकि चार्जेज हमेशा मूव कर रहे होते हैं, हमेशा डायनेमिक मोड में रहते हैं, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक की तरफ फ्लो करने की कोशिश करता है। मतलब अगर बात करें पॉजिटिव चार्ज की तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है ना। तो यहां पर चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। मतलब एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए, दूसरा पॉइंट लो पोटेंशियल पर होना चाहिए, तभी जाकर के करंट फ्लो करता है ना। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी यूज करते हैं। जैसे ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दो एंड्स को हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया है ना। अब ये बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई। हम लोग आगे बात करेंगे कि बैटरी का ईएमएफ क्या होता है, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये जानते हैं कि ये जो बैटरी है ये केवल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट कर देंगे, जैसे ये बड़ा सा प्लेट दिखाया ये हायर पोटेंशियल पर होता है, ये छोटा सा प्लेट दिखाया ये लोअर पोटेंशियल पर होता है, या निगेटिव प्लेट बोलते हैं। तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल दोनों हाई होगा, इक्वल होगा, है ना। तो यहां भी हाई पोटेंशियल हो जाएगा, यहां लो है तो यहां भी लो होगा। तो अब समझ सकते हैं कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर में एक एंड हाई पोटेंशियल पर है और दूसरा एंड लो पोटेंशियल पर है। ये हो गया हाई पोटेंशियल वाला एंड और ये हो गया लो पोटेंशियल वाला एंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, है ना। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो हाई से लो मतलब कि इधर जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगर कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये चार्जेज पर फोर्स लगाएगा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ता हूं तो इस इलेक्ट्रॉन पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाया, क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, तो फोर्स इस पर लगेगा इधर की तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाने का मतलब हुआ कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा,